आप अपनी जिंदगी में सच का इस्तेमाल कितना करते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र 100% सच बोलता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र 100% सच बोलता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र 100%। व्हाटएवर द लॉ ऑफ ब्लास्फेमी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन नॉन मुस्लिम्स, इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ज्यूज एंड क्रिश्चियंस एंड अदर नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटीज। इट इज जस्ट टू बी डेल्ट विद मुस्लिम्स। मैं स्टैंड ये ले रहा था और यही कानून बनवाया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो भी गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई हो, या मर्द हो या औरत हो, जो गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो उसकी सजा कत्ल है। राइट टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। The Danish Integration Ministry and the Minister, have been totally receiving wrong information. They should try to correct their source of information. The fact is, I am not saying for sake of the conference, the fact is that I was never a consultant or advisor to General Ziaul-Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days. He invited me, offered me to be federal minister for 3 times. I refused, and I never joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. So you are against the blasphemy law. Number two, finally, when this law was made, President Ziaul-Haq never consulted me. And I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Ziaul-Haq. So this is absolutely clear. So they have wrong information that I was his advisor. Let us get it on the table. Yeah. Are you pro or against the much discussed blasphemy laws in Pakistan? Now there are two aspects. First of all, after clearly clarifying the situation that I was never a part of shaping in the parliament. तो मैं इसलिए ताजी से नेमत के तौर पर बताना चाहता हूं कि यह कानून तहफ्फुज़ हुर्मत रिसालत का, नामूस रिसालत का, 295C, ये जो कानून बना इस मुल्क में, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि यह किसकी कोशिश से बना था यह कानून। यह कानून बनवाया ही मैंने था। फिर ये हुआ, मैं पूरा वाक्य आपको बता लूं। 1985 में जब 18 घंटे के दलायल मेरे मुकम्मल हो गए तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल्लाह की हुकूमत थी और शूरा थी, तो 1986 हो गया, 87 चलता रहा ये अरसा। उन्होंने ये फाइल, तो कुछ लोग जनरल ज़ियाउल्लाह को मिले जो उनकी शूरा में थे, उन्होंने कहा कि यह फैसला हो गया है, अदालत ने लिख लिया फैसला, मेरे दलायल हो गए हैं बड़े मबसूत और अनकरीब अदालत फैसला सुनाने वाली है, तो अदालत के फैसले से कानून बनेगा तो आपको कोई नहीं जाएगा क्रेडिट। उन्होंने कहा चुके आप हुदूद ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं और कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो हुदूद में आप खुद शामिल कर लें और बतौर ऑर्डिनेंस एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की तरफ से इसको जारी कर दें तो क्रेडिट आपको चला जाएगा कि आपने दीन की खिदमत की है। तो बजाय इसके कि यह फैसला अदालत से अनाउंस हो, आप अनाउंस कर दें पार्लियामेंट की तरफ से। तो तब जनरल ज़ियाउल्लाह साहब ने अदालत को ऑर्डर भेजे कि पूरी फाइल और फैसला मुझे भेज दिया जाए। उन्होंने मंगवा लिया और जो फैसला लिखा था उसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना दिया और इस तरह यह कानून बना पार्लियामेंट के जरिए। तो बताना ही चाहता हूं कि यह तहफ्फुज़ हुर्मत रिसालत और नामूस रिसालत का कानून जो तौहीन रिसालत के बाब में 295C, यह सिर्फ और सिर्फ आपके इस खादिम और आपके भाई के जरिए अल्लाह ने बनवाया है, इसमें किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं है। और यह तारीख जानती है जो आज से जिनकी उम्र 26 साल पहले जो सन्ने शऊर में थे और जिनको जमाने के वाकयात याद हैं, उनको खबर, आप में से कई बैठे होंगे उस जमाने के जिनको यह सारी स्टोरी याद होगी, जरा हाथ खड़ा करें। ज्यादा उम्र वाले सब लोगों को पता है, यह लाहौर हाईकोर्ट की पूरी बिल्डिंग दरो दीवार गवाह है। But we are here to discuss why
there is a controversy around your person, and the minister says that she is against the kind of law that you apparently support. I'm trying to get you to answer a simple question. Do you support that kind of law, whether it's biblical, Judaic, or Islamic? Or Christian, or Islamic. Whatever. Yes. My answer to that is... Most of the world, by the way, has done away with that. But, I mean, the Christians don't do that anymore. Yes. I differ with the procedural and administrative, all procedural law of this matter. I have many reservations. I have difference of opinion. Hurmat-e-Rasool ki azmat ke liye, namus-e-Rasool ke liye, taaki gustakhi ke saare raaste aur sab imkanat band ho jaye. Muslim aur kafir, aurat aur mard, और तौबा करने वाला और गैर तायब सब के लिए जिसने हुजूर की गुस्ताखी की वो बेईमान कत्ल हो जाए. दिस इन पाकिस्तान आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट सब्जेक्ट आई डोंट सपोर्ट इट बट स्टिल आई डिफर विद द लॉ. यस इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट आई नो. आप अपनी जिंदगी में सच का इस्तेमाल कितना करते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र 100% सच बोलता हूँ. मैं अल्लाह का शुक्र 100% सच बोलता हूँ. मैं अल्लाह का शुक्र 100%